विस्फोटकों से लदे ट्रक को वर्धा रोड के पुल पर छोड़कर भागे ट्रक चालक ने शहर में खलबली मचा दी। सूचना मिलते ही पुलिस विभिन्न जांच एजेंसियों के साथ एटीएस का दस्ता भी घटनास्थल पहुंच गया। इस ट्रक को सकुशल पुल से उतारा गया। एक ट्रक के काफी देर से नागपुर वर्धा रोड के पुल पर खड़े होने की जानकारी शुक्रवार शाम करीब 6 बजे प्रताप नगर पुलिस को मिली। थानेदार दिनकर ठोसरे तुरंत ही अपने सहयोगियों के साथ वहां पर पहुंचे। ट्रक बंद था और चालक भी गायब था। पुलिस ने काफी समय तक इंतजार करने के बाद ट्रक में रखे दस्तावेजों की जांच की। इसमें ट्रक मालिक का मोबाइल नंबर था। उस पर कॉल करने पर ट्रक में विस्फोटक होने की जानकारी पुलिस को मिली। इस तरह छत्रपति चौक के पास डबल टेकर ब्रिज पर विस्फोटकों से लदा ट्रक लावारिस हालत में छोड़कर ट्रक चालक के गायब हो जाने पर पुलिस महकमे में भी हलचल हो गई। ट्रक मालिक ने पुलिस को ट्रक चालक का मोबाइल नंबर दिया। पुलिस द्वारा इस नंबर पर संपर्क करने पर ट्रक चालक ने कहा कि डीजल खत्म होने से वह ट्रक को वहां पर छोड़कर गया है और जल्दी वापस आएगा, लेकिन इसके बाद कई दफा संपर्क करने पर भी ट्रक चालक ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसके बाद उसने मोबाइल ही बंद कर दिया। पुलिस ने फौरन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही एटीएस को सूचना दी। इसके बाद एटीएस बम शोधक एवं नाशक दस्ता और अन्य जांच एजेंसियां भी पहुंच गई। वरिष्ठ अधिकारी भी वहां आ गए। शहर में दहशत न फैले इस कारण पुलिस ने इस बारे में चुप्पी साध ली। विस्फोटकों से भरा ट्रक पुल से सकुशल हटाने के लिए पुलिस बीडीडीएस और एटीएस प्रयास करती रही। काल संध्या 6:30 सुमाराला आम्हाला खबर मिळाली की एक एक्सप्लोजिव्हचा ट्रक ब्रिजवर वर्धा रोडच्या छत्रपती चौकाजवळ उभा आहे। त्याप्रमाणे पोलिसांची सिग्नल पी आहे। आम्ही स्वतः ACP MIDC सोनेगाव BCP साहेब आम्ही त्या ठिकाणी पोहोचलो। स्टाफ सर त्या ठिकाणी जो ड्रायव्हर होता त्याचा नंबर घेऊन आम्ही त्याला संपर्क साधला असता त्याने सांगितलं की ट्रक ब्रेकडाऊन झालेला आहे, त्यामुळे मी मेकॅनिकच्या शोधात निघालेलो आहे। आणि त्याच्यानंतर काही वेळाने त्याचा मोबाईल स्विच ऑफ झाला, त्यामुळं मग आम्हाला त्या ठिकाणी वाहतूक थांबवावी लागली। आणि नंतर आमचे BDDS स्क्वॉड करून चेकिंग वगैरे करून तो ट्रक ब्रेकडाऊन झालेला होता। आम्ही मेकॅनिक वगैरे बोलवले आणि रिपेअर करेपर्यंत मग तो ड्रायव्हर परत त्या ठिकाणी आला आणि मग आम्ही तो ट्रक त्या ठिकाणाहून हलवून सेफ ठिकाणी नेऊन ठेवलेला आहे आणि त्या ड्रायव्हरच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे। 188 283 IPC आणि 185 मोटर वाहन कायद्याच्या अंतर्गत हा ट्रक हैदराबादवरून निघालेला होता आणि 2-3 ठिकाणचे कन्साइनमेंट होते। त्याच्यामध्ये एक सिंगरौली मध्य प्रदेश आणि त्यानंतर आसनसोल वेस्ट बेंगॉल या ठिकाणी ज्या कोळशाच्या खाणी आहेत त्या ठिकाणी मटेरियल लागतात। कॅमेरा पर्सन मायकल रामपुरे और अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।